हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिंच ऑफ यम। आज मैं आप सभी के सामने कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी लेकर आई हूँ। ये चटनी सभी को बहुत पसंद आती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार, काला नमक, कच्चे आम, गुड़, मेथी दाना, जीरा, हींग। आइए अब हम खट्टी मीठी चटनी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन आम को छील के काट लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने इनको छील लिया है और अब हम इनके पीसेस कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे। गर्म होने पर इसमें जीरा डाल देंगे, मेथी दाना डाल देंगे और हींग डाल देंगे। ये देखिए, अब इसमें हम अमिया डाल देंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार, लाल मिर्च डालेंगे चौथाई चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगे एक चम्मच और हम इन सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे स्लो गैस पर। अब ये आम गल चुका है, ये देखिए। अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ को मैंने थोड़ा छोटे छोटे पीसों में तोड़ लिया है। अब इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। गुड़ का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और गुड़ नुकसान भी नहीं करता है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। अब ये धीरे धीरे इसमें मेल्ट होगा। ये देखिए, अब ये गुड़ इसमें मेल्ट हो गया है और धीरे धीरे ये चटनी का लुक दे ले रहा है। पूरा ही मेल्ट हो जाएगा ये इसमें और बहुत ही बढ़िया लगता है। इसे आप कई दिनों तक रख भी सकते हैं, कोई भी इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है जिससे ये नुकसान करे। बहुत ही बढ़िया चीज़ है और आप इसे किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगा। प्लीज़ ट्राई अवश्य कीजिएगा। अब इसमें हम थोड़ा काला नमक डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे खूब अच्छे से। थोड़ा अच्छे से इसे खटकाने से इसे ख़राब नहीं होता ये जल्दी, आप कई दिनों तक इसे सेव कर सकते हैं। लीजिए आपकी खट्टी मीठी चटनी तैयार। खाइए और खिलाइए।